क्या करें, यहाँ आके फंस गए हम सारे में। वॉटरफॉल आ रहे हैं छोटे छोटे। तो जी आज का दिन अपना पूरा बारिश में धुलने वाला है मुझे लग रहा है। यहाँ आज काफी दिन के बाद मड़गांव के ना अंदर से निकल रहे हैं हम। घूमे उमेंगे तो हम क्या ऐसे में। अब खैर आगे काला और उसके पीछे सफेद दिख रहा है पूरा, वो बारिश है उधर तकड़ी। ये जी ऐसा चल रहा है बाहर। ये होटल है, जो टूरिस्ट है बेचारे वो क्या करेंगे, उनका तो पूरा पैसा बर्बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं आज, जैसे कि मैंने कल शायद कल वाली ब्लॉग में बताया था, कल या परसों, हाँ कि भाई हम जा रहे हैं, आज संडे है तो संडे घूमने। और हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा की तरफ आज, तो उधर के काम भी थे प्लस अपना घूमना भी होना था। बहुत दिन से बोर हो गए, मोनिका भी बोर हो गई कि भाई इधर ही घूमे जा रहे हैं हम, साउथ साउथ में नॉर्थ की तरफ चलते हैं। तो भाई आने वाले व्लॉग्स में आपको नॉर्थ के हाल दिखाएंगे, कैसा हो रखा है नॉर्थ गोवा और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उधर की तरफ, कैसा क्राउड है, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और बीचेस वगैरह भी थोड़े से उधर के आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि अभी कैसा हो रखा है मॉनसून सीजन में बीचेस वगैरह, जाना सही रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाले ब्लॉग में शेयर करते रहेंगे। पर हमारे जो है निकलते ही गाड़ी बरसात भी हो गई शुरू, तो बारिश तो रात से बहुत तकड़ी बारिश थी आज, इतनी तेज हवाएं थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था पेड़ ना पूरे नीचे झुक रहे थे, बहुत तेज हवाएं थी रात और बारिश के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग, चलते हैं और घुमाते हैं आपको नॉर्थ गोवा, हम भी घूम के आते हैं थोड़ा सा। एक दिन का ट्रिप है ये, मतलब आज उधर ही स्टे करेंगे हम जाके, तो उधर का कहाँ पे स्टे कर सकते हैं ये सारी चीजें आपको ना शेयर करेंगे आने वाले ब्लॉग्स में। चलो शुरू करते हैं। तो जी बरसात ना रात से ऐसी लगातार पड़े जा रही है और बारिश से पड़ेंगी तो क्या हम घूमेंगे नहीं, इसलिए हम भी निकल गए कि चलो बारिश पड़ रही कोई दिक्कत नहीं है घूमने चलते हैं, पहले आते हैं नॉर्थ गोवा घूम के। हमारी मतलब ये ऐसा ट्रिप हो जाती है जैसे हम दिल्ली से गोवा आ रहे हैं ना, कभी कभी नॉर्थ गोवा जाना हमें ऐसा लगता है कि उधर जा रहे हैं हम दिल्ली से। हाँ पर अब ये है कि दो घंटे में नॉर्थ गोवा पहुंच जाते हैं, जब उधर घूमने का आना हो कुछ अलग सा मूड चेंज करना हो तो भाई उधर चले जाते हैं, क्योंकि एक जगह पे रह के बोर तो होता ही आदमी, तो इसलिए हमारा भी मन करता है कभी कभी कि भाई उधर का ऐसा क्राउड भी देख के आना चाहिए। हाँ तो बारिश शुरू हो गई और रात से ऐसी पड़ रही है जैसा बताया मैंने, तो लगभग दो ढाई घंटे हमें लगेंगे पहुंचने में। राइट मुझे लगता है 9 बजे निकल गए हमें, साढ़े नौ हो रहे हैं तो हमें 15 मिनट हो भी गए निकले हुए, 9:15 बजे हम निकल गए। तो पूरे बादल घुसे हुए हैं यहाँ पे पहाड़ों के बीच में, ये आपको देख ही रहे हैं पूरे, हम पहुंचने वाले हैं काबिल दरामा से पीछे हैं अभी, तो ये सबसे ऊंची चढ़ाई पड़ती है हमें एक। और यहाँ एक बार और हमें रात में पूरा ऐसा मिला था कोरा कोरा, कोई अननोन बंदा होता तो डर जाता कहाँ घुस गया। हाँ मतलब इधर थोड़ा सा वैसा फील आता है एकदम पहाड़ी, जैसे क्या हिमाचल और उत्तराखंड में हो आप, उस तरह का वो होता है इधर की तरफ वेदर। हाँ तो बारिशों में ज्यादा होता है। आगे तक देखो बादल ही बादल दिख रहे हैं ना मोनिका। एक बार हम उधर गए थे नैनो लेके खजियार, तब ऐसा मौसम मिला था है ना, उस पे जा रहे थे जब नीचे जा रहे थे डलहौजी से आगे गए थे। और वो स्टार्टिंग थी, मतलब वो शायद मैंने पहली वीडियो डाली थी, पहली या दूसरी ट्रिप की जब नैनो से, तब मैंने चैनल तभी हुआ था अपना, वो वीडियो अभी भी पड़ी हुई है चैनल पे। बट वो था कि क्वालिटी नहीं थी कुछ नहीं था उस टाइम, जैसे जो आया मन में डाल दिया। पर हाँ एटलीस्ट जगह तो दिखाते थे, जगह दिखाते थे और हम एंजॉय करते थे अपनी ट्रिप पूरी। हाँ वीडियो बनाना है या फिर चलेगी नहीं चलेगी ये सब पे हम वो नहीं रखते थे। हाँ बुलबुले में
काफी तेज बारिश पड़ रही है, बीच बीच में कहीं पे रुकती है, कहीं पे तो बहुत ही तेज है बीच में, और ऐसे में ना विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बहुत ही स्लो चलो बेटर रहता है भाई, थोड़ा सा लेट भले ही हो जाओ, रास्ते गर्मी में पता नहीं, हाँ तो पता नहीं होता किस टाइम पे कहाँ पे टर्न आ जाए, और कई बार क्या स्पीड के चक्कर में हम कंट्रोल नहीं कर पाते गाड़ी भाई, तो इस टाइम पे ना बहुत संभाल के चलानी पड़ती है गाड़ियाँ। चलो हम पहुँचने वाले हैं असोला के आसपास, थोड़ा सा पीछे हैं और स्लो स्लो आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया हमें चलते चलते, 10 बजे नहीं है अभी, 10 बजने में 10 मिनट हैं। हाँ स्कूटी का साइकिल का पैदल का जहाँ पानी है तो स्लो निकाल लो, सबसे ज्यादा दिक्कत था। तो जी मड़गांव पहुंच गए, आज काफी दिन के बाद मड़गांव के ना अंदर से निकल रहे हैं हम, वरना बाहर से निकलते थे या तो बिल्कुल लेफ्ट साइड से या राइट बाईपास जो है उससे निकल जाते थे। आज संडे इसलिए अंदर से आए थे, लेकिन आज भी ट्रैफिक है काफी अभी। लोग तो इधर से उधर जाते ही हैं ना संडे में, हाँ संडे में घूमने के लिए ज्यादा जाते हैं ना लोग, पर मौसम बहुत आज खराब है भाई, आज पूरा दिन मुझे लग रहा है ऐसे ही मिलने वाला है, घूमे उमेंगे तो हम क्या ऐसे में, अब खैर मुझे ही लग रहा कुछ घूम पाएंगे, देखेंगे चल के। मतलब कंटिन्यूसली बारिश पड़ रही है जब से ही, हाँ ये मड़गांव बस स्टैंड और यहाँ पे पड़ रही है भयंकर वाली बारिश, हाँ अभी बस मड़गांव क्रॉस हो गया है अपना, चलते हैं आराम आराम से ऐसे ही। तो जी ऐसा हो रखा है साउथ गोवा या फिर गोवा हो सकता है, मतलब नॉर्थ साइड भी ऐसी बारिश मिलेगी जैसी ये अभी साइड में हो रही है, देखो भाई सब कितने भी खेत वो सब फुल है, ये देखो इधर सब फुल है, हाँ सामने मतलब अभी विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं आराम आराम से, कि भाई इससे ज़्यादा तेज नहीं चला रहे, ज़्यादा तेज चला के कोई फायदा नहीं है, पहुँच जाएंगे आराम आराम से। वही 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 आज ज़्यादा ही तेज है मोनिका, हाँ रोज लग रहा था कि कम है कम है कम है, आज है लेकिन आज पता चला। तो जी आज का दिन अपना पूरा बारिश में धुलने वाला है मुझे लग रहा है, हाँ नॉर्थ गोवा आज धुल जाएगा ऐसे ही, ऐसा सोचो टूरिस्ट के साथ हो तो उन्हें कैसा लगे, हम तो पास से आ रखे हैं, हाँ हमारा तो ये है चलो कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल आ जाएंगे परसों आ जाएंगे। तो जी ये वाला सीन टूरिस्ट के साथ होता है, उस दिन उनको बहुत वो लगता होगा, पूरा दिन उन्हें बैठे ही रहना है फिर तो, हाँ हाँ ओए पानी बहुत भरा हुआ है रोड पे लेफ्ट साइड में स्पेशली, पूरा रुका हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो ये कितने वाटरफॉल आ रहे हैं इधर, तो ये इधर भी आ रहे हैं, ये देखो सामने सारे में वाटरफॉल आ रहे हैं छोटे छोटे, अम्बोली जैसा हो गया ये तो है ना, आगे तक है सारे वाटरफॉल यहाँ तक। ओए होए 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 ये देख रहा कैसे पानी फाड़ते हुए इसी स्पीड में जा रहे हैं लोग, और इसमें थोड़ी सी बस जहाँ ज्यादा पानी हुआ ना गाड़ी एकदम घूम जाती है, थोड़ा सा स्टेयरिंग लूज हुआ टायर किधर भी घूम सकते हैं फिर, इसलिए पानी के अंदर से ज्यादा ही निकलता। तो जी ऐसा हो रखा है माहौल, उधर तो दिख ही नहीं रहा, तो वास्को वगैरह तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा इधर से, मजेदार मौसम हो गया तो जी मजेदार हो रहा है यहाँ तो भाई, आज सोच रहे थे कि थोड़ा सा सही रहेगा शायद आज, आज मुझे लग रहा है इधर ज्यादा बारिश है अपनी तरफ कम है फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे तो मसूरी की ट्रिप याद आ रही है।
मसूरी की ट्रिप में भी ऐसे ही हुआ था है। चलो आज मेरे पांव गिर गए बहुत दिन में, मतलब जब से दिल्ली से इधर शिफ्ट हुए मेरे पांव नहीं गिरे थे कभी। मेरे तो गिर गए ऑलरेडी। ऐसा हुआ है, ये देखो बारिश ही बारिश है, बारिश ही बारिश है, सब दूर था। तो जी ऑलमोस्ट पंजिम पहुंचने वाले हैं। अभी कौन सा था ये? नहीं पीछे जो थी बैम्बोली, वो क्रॉस कर दिया बैम्बोली और पंजिम पहुंचने वाले हैं। पर बारिश ऐसी लगातार हो रही है, रुक नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रुकी एक सेकेंड के लिए भी कि कहीं पे रुक गई हो। और तड़ातड़ यही तकड़ी वाली हो रही है। तो रोड पे पानी बहुत मिल रहा है, मतलब कई जगह तो बस वगैरह निकलती है ना, उधर का पानी इधर आ रहा है पूरा। थोड़ा आगे जाएंगे थोड़ी कम मिलेगी, कम हाँ नहीं, आज कम नहीं मिलने वाली, आज ऐसे में ही करो अब तुम जो करना है घूमना फिरना। तो ये ऐसा कुछ हाल हो रखा है कसीनो वाली रिवर का, जो मांडोवी रिवर है, और बहुत ज्यादा हुआ है। ये देखो पूरी ऐसे हो रखी है गदोली पूरा, और धुंध धुंध हो रखी है। और हम ये अटल सेतु पे हैं, बारिश तो कम हो ही नहीं रही है, पता नहीं आज पूरे दिन का ही झाड़ा लगता है। तो जी हल्की सी बारिश हल्की हुई है, बहुत थोड़ी सी, जैसे हम पंजिम क्रॉस करके आगे बढ़े पोर्वोरिम की तरफ। पोर्वोरिम में रुकना है पहले, बादल बज रहे हैं लिटरली, देखो और बादल बहुत तेज है, ये देखो आगे काला बादल, मतलब आगे काला और उसके पीछे सफेद दिख रहा है पूरा, वो बारिश है उधर तकड़ी, और यहाँ भी आने वाली है तकड़ी बारिश भाई, ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। आना किधर है? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ आज अंदर ही लगाते हैं। चलो तो जी अभी पहुंच चुके हैं मॉल दे गोवा में, और जी बारिश अभी ऐसी हो रही है लगातार, तकड़ी बारिश पड़ रही है, इसलिए मैंने नीचे ना अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क करके आया हूँ गाड़ी, सो देट क्या वहाँ पे ना बारिश से बचे रहेंगे। और हम आ गए इधर, तो भाई क्या क्या खरीदना है? घर का सामान देखें, इधर चल रहा है स्मार्ट बाजार, तो भाई हम जा रहे हैं स्मार्ट बाजार पहले। तो जी शॉपिंग हो गई अपनी, अभी हम चल दिए हैं खाना खाने के लिए इधर के, अभी चलेंगे पहले लंच करते हैं। अभी आ चुके हैं इधर हम लंच के लिए ब्रिट्स क्लासिक पे, पहले करेंगे लंच तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बारिश बंद हुई है हल्की सी, और यहाँ से ये देखो पूरा पोर्वोरिम दिखता है उधर का, अभी मौसम अच्छा नहीं है, साफ नहीं है, वरना और भी अच्छा दिखता है। तो जी लंच हो गया अपना यहाँ पे, अब यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, मतलब लंच बहुत मज़ेदार हुआ, बहुत बढ़िया। रिट्स क्लासिक पे थे, और वहाँ पे अपनी फेवरेट एक ही चीज़ है थाली, तो निकल गई है, दूसरी आएगी अब, दूसरी वाली आएगी, ये निकल गई, दो नंबर पर पहुँच गई। कैसा लगा खाना? मज़ेदार था, क्रैप सारा मुझे ही खाना पड़ा, सबका इनका क्रैप मुझे ही खाना पड़ा आज। तो जी यहाँ की पार्किंग में यूजुअली ना बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं, बट बारिश हो गई ये फुल हो गई, बारिश तकड़ी थी इसलिए सब ने अपनी गाड़ी ना इधर ही ला के पार्क की, बड़ी मुश्किल से घुसी है अंदर यहाँ पे। तो जी बाहर निकलते ही मॉल से फिर बारिश मिलनी शुरू, थोड़ी देर पहले ही रात सी लग रही थी अंदर से जितनी देर, अब फिर से ऐसी बारिश मिल रही है। तो अपन चल रहे हैं पहले, हम अपना जाके स्टे जहाँ कर रहे हैं वहाँ चलते हैं ना, सीधे वहीं मिलते हैं, जाने की हालत ही नहीं है। हाँ बागा बीच पे मिलते हैं चल के सीधे, बागा पर बीच पे नहीं। हाँ बागा, आज हम बागा की तरफ रुकने वाले हैं, चलते हैं और फिर उधर जाके बात करेंगे भाई आगे की। तो जी फाइनली पहुँच गए अपने होटल पे, अब आज का दिन तो पूरा मोनिका धुल गया बारिश में ही, अब तुम बताओ क्या करोगी? चलो जी हाँ, तो आज इस बार हम रुके हैं बागा पे, और थोड़ा आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये जी ऐसा चल रहा है बाहर,
ये होटल है सन पार्क रिजोर्ट, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हो भाई। यहाँ पे मैं डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, पूरा एक यहाँ का वीडियो ही बनाएंगे। काफ़ी रेनोवेशन किया है इन्होंने, काफ़ी कुछ चेंज लग रहा है एकदम। पहले आए थे लास्ट टाइम भी हम इधर, तो उस तब से तो बहुत चेंज हो गया है, बहुत चीज़ें चेंज लगी। तो पूरा दिखाएंगे वीडियो यहाँ का पूरा बना के, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी मैं आपको दूंगा। चलो जी, अभी हम इस बारिश में क्या करें बताओ, क्या करें, यहाँ आके फंस गए हम। आज बुरा हाल हो गया, मतलब सुबह से ही बारिश है और यहाँ आके पूरी तरह से फंसे हुए हैं लग रहा है अब तो, ऐसा लग रहा है। अब ये सोचो ऐसे में जो टूरिस्ट है, चलो हमारा चल जाएगा, जो टूरिस्ट है बेचारे वो क्या करेंगे, उनका तो पूरा पैसा बर्बाद। जो आए हैं मतलब दूर से, हमारा तो ये यहाँ से यहाँ तक आए, इधर आए बस, आना जाना होटल वोटल ये सब अपना चीज़ें रही थोड़ी बहुत, बाकी जी जो बाहर से आ रहे हैं उनका तो लंबा खर्चा होगा भाई, वो तो बुरे वाले फंस गए है ना। ऐसे में क्या मस्ती कर पाएंगे, कुछ भी मस्ती नहीं कर पाएंगे बेचारे, हम ही नहीं कर पा रहे अभी। चलो जी, उम्मीद करते हैं वीडियो ये अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी दूसरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें क्या सारा कुछ अब इधर का रखेंगे, जो भी घूमेंगे जितना भी घूम पाएंगे उतना घूमेंगे। सो गाइस, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आप देखो शेयर करना, कमेंट लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। तो जी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके भी बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।